मित्रों, शिक्षा के साथ खेल, खेल के साथ कला, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज के युवाओं के लिए शिक्षा के साथ खेल जरूरी है। खेल आप लोग खेलते रहेंगे तो कम से कम मन में जो बुराई है, जो हम इधर उधर भटक जाते हैं, शाम होता है तो लिटिल लिटिल में फंस जाते हैं, कम से कम उसमें तो ना जाएं। ठीक है कि नहीं युवा साथी? आप लोग कहते हो सारे हम ही में लगा तो जरूरी है मित्रों, वो काम नहीं आएगा ना, वो साथ जाएगा, वो केवल बर्बाद करने के लिए आता है, बर्बाद करके जाता है। इसलिए मेरी आग्रह है कि आप लोग शिक्षा के साथ खेल खेलो, अच्छे पढ़ाई में आगे बढ़ोगे, अच्छे खेल में आगे बढ़ोगे, आपका पहचान बनेगा, आपका सम्मान मिलेगा। आज खेल जगत में खेल का एक अलग पहचान है। आज जो मेडल लेके आते हैं ना, जो विदेश जाते हैं खेलने के लिए, आप ही लोगों के बीच के लोग जाते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है, कोई हिंदुस्तान के लोग ही जाते हैं, मेडल जीत के लाते हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी उन्हें सम्मान करते हैं। सोचिए तो कितनी बड़ी बात है, उनका सम्मान पाकर लोग इतने गदगद हो जाते हैं, और भी लोग, युवा लोग जुड़ करके और अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। इसलिए मेरी निवेदन है कि खेल जगत में खेल को खेल जैसे खेलना चाहिए, अनुशासन के रह के खेलना चाहिए, और कला के माध्यम से खेलेंगे तभी आपका एक पहचान बनेगा। आज खेल जगत में फुटबॉल को जीवित रखने वाले गांव के लोग, आज गांव गांव में क्रिकेट भी चल रहा है, हर गांव में कुछ ना कुछ आयोजन भी हो रहा है, कहीं धर्म का आयोजन हो रहा है तो कहीं भागवत आयोजन, कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। तो चलिए कम से कम इस बहाने गांव के लोग को देखने का, सुनने का, जानने का एक अवसर मिलता है।